हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं तीन सीरीज और एक मूवी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग 3D एनिमेटेड फैंटेसी ड्रामा मूवी पिनोकियो से। जी हाँ गाइस, इसकी जो रिलीज डेट की अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है और ये मूवी आपको 9 दिसंबर को नेटफ्लिक्स इंडिया पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और बहुत ही जल्द आपको इसकी जो ट्रेलर वगैरह वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो इंडिया में कम्प्लीटेड है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मिडनाइट क्लब की सीजन 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और बेसब्री से इसकी सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दो कि ये सीरीज माइक फ्लैनगन की एक ऐसी सीरीज है जो लिमिटेड सीरीज ना होकर एक ऐसी सीरीज है जिसकी मल्टीपल सीजन आ सकती है, यानी सीजन 2 आ सकती है, क्योंकि इसकी सीजन 1 की लास्ट एपिसोड की एंडिंग सस्पेंस के साथ एंड किया गया है, जो इशारा करता है इसकी सीजन 2 की ओर। तो सवाल ये बनता है कि क्या हमें इसकी सीजन 2 देखने को मिलेगी या नहीं। तो गाइस, अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी सीजन 2 की जो अनाउंसमेंट है वो ना ही इसके क्रिएटर की तरफ से हो पाई है ना ही नेटफ्लिक्स की तरफ से। लेकिन अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी सीजन 2 को रिलेटेड नेटफ्लिक्स कोई ना कोई फैसला जल्द ही ले सकता है। और मैं भी गाइस हाईली चांसेस है कि आपको इसकी सीजन 2 देखने को मिले, क्योंकि इस सीरीज को वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कम से कम आपको एक महीना के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको इसकी सीजन 2 देखने को मिलेगी या नहीं। लेकिन हाईली चांसेस हैं कि आपको देखने को मिल जाए। अगर रिन्यू कर दिया जाता है नेटफ्लिक्स के द्वारा तो फिर आपको इसकी सीजन 2 के लिए 2024 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो भी हो, अगर आने वाले समय में कोई अपडेट निकल के आएगी इसकी सीजन 2 के रिलेटेड तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग W2 वर्ल्ड्स अपार्ट की सीजन 1 के लिए बेसब्री से वेट करें, यानी हिंदी में देखने के लिए। तो उन सभी को बता दो कि जैसा कि हमने जाना था कि इसकी सीजन 1 है वो इसी महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, लेकिन कब इस बारे में अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आ पा रही थी। तो मेरे पास अब जाके इसकी जो रिलीज डेट है वो निकल के आ रही है। जी हाँ गाइस, इसकी जो सीजन 1 की सभी एपिसोड है वो आपको इसी महीने के एंड यानी 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा गाइस, हो सकता है कि आपको इसकी सीजन 1 हिंदी डब लैंग्वेज में 28 अक्टूबर से पहले भी देखने को मिल जाए, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो डेट है वो फिलहाल फिक्स नहीं होती है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकती है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एलाइस इन बॉर्डरलैंड की हिंदी डब के लिए काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसकी हिंदी डब हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो उनके लिए मैंने अपने सारे सोर्सेस से पता किया है और जो मुझे अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग इसकी हिंदी डबिंग का वर्क किसी भी स्टूडियो में इंडिया में अभी नहीं चल रही है। और फिलहाल अभी इसकी सीजन 2 की भी इंटरनेशनल डबिंग का जो वर्क है वो भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो हो सकता है जब इसकी सीजन 2 की इंटरनेशनल डबिंग का वर्क स्टार्ट हो तो उस समय नेटफ्लिक्स इंडिया इसकी सीजन 1 और सीजन 2 की हिंदी डबिंग का जो इंडियन स्टूडियो को दे दे। तो जो भी हो, अगर आने वाले समय में कोई अपडेट निकल के आएगी इसकी सीजन 1 और सीजन 2 की हिंदी डब के रिलेटेड तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। और फिलहाल ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनली काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में डब्ड है, जिसमें से इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो जो भी हो, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।